बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। ठंडे ठंडे मौसम में जब आपका मीठा खाने को दिल करे और टाइम भी ना हो, तो आपने झटपट से ये रेसिपी बना लेनी है और मुझे देनी है दुआएं। चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना है। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है ये। मैं दो पैकेट सेवैयों का इस्तेमाल कर रही हूँ। सनी कंपनी की सेवैयाँ हैं ये, बहुत ही अच्छी होती हैं। और हस्बे ज़रूरत ऑयल इस्तेमाल करेंगे, 3 से 4 जो है बड़ी इलायची इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास छोटी है, मैंने कम ले ली है। 1 प्याली से कम चीनी है और जो है पानी इस्तेमाल करेंगे। पानी की मेजरमेंट के लिए मैंने ये ग्लास लिया है। एक बड़ा ग्लास होता है, एक छोटा नॉर्मल साइज़ का ग्लास होता है, वो वाला मैंने लिया है। ठीक है, तो हम ऑयल डाल देंगे कढ़ाई में और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, तो ये इलायचियाँ इसमें शामिल कर देंगे। ये छोटी इलायची, अगर आपके पास हो तो आप बड़ी इलायची इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा इसमें कड़कड़ाएंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसमें जिस तरह तड़का लगाते हैं ऐसे लगा लेंगे, ताकि जो इलायची की खुशबू है ना वो पानी के अंदर शामिल हो जाए। अब कवर को उठा लेंगे, बहुत एहतियात से उठाएंगे। ये बहुत ज़्यादा जो है ना उछल रहा होता है, तो आपने बहुत एहतियात से उठाना है और इसमें 2 गिलास पानी डाल देना है। तो वही मेजरमेंट वाला गिलास है जो मैंने आपको दिखाया है। तो 2 गिलास पानी डाल दिया, अब आपने चीनी डाल देनी है। ठीक है, ये आप बॉल देख रहे हैं चीनी वाला, इतना लेवल करके आपने इसको डाल देना है। इसको मिक्स कर लेंगे और बॉयल होने देंगे। पानी बॉयल हो चुका है, अब इसमें सेवैयाँ डाल देते हैं। आपने इसको ज़्यादा तोड़ना नहीं है, मोटा मोटा सा तोड़ लेना है इस तरह से, और इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार झटपट बन जाने वाली मीठी सी रेसिपी है ये। अब जी इसका पानी खुश्क हो गया हुआ है बिल्कुल, हमने थोड़ी सी देर इसको पकाया है क्योंकि ये फ़ौरन गल जाती हैं, ज़्यादा देर इनको नहीं पकाना। तो अब इसको कवर कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे लो फ्लेम करके। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, पपा बन जाएंगी, तो वो टेक्स्चर नहीं आएगा, इनका जायका नहीं आएगा। तो जी 1 मिनट हो चुका हुआ है और ज़बरदस्त सेवैयाँ तैयार हैं। ये देखें कितनी खिलती हुई, कितनी ज़बरदस्त सेवैयाँ बनी हैं, ना ये पप्पा हुई हैं, और ये देखें। तो आप इसको गरम गरम सर्व करें और मज़े उठाएं और मुझे दें दुआएं। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, और थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।